again. So let's go. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी आपने जो वॉलपेपर्स देखा वो मैंने क्रिएट किया है यूजिंग एआई। तो आज मैं आपको एक फ्री वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप एआई के हेल्प से फ्री में बहुत सारी अमेजिंग पिक्चर्स जनरेट कर पाओगे और उन्हें एज वॉलपेपर्स यूज कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो यहाँ पर जो वेबसाइट हम यूज करने वाले हैं वो है lexica.art। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेबसाइट को ओपन करना है। मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कुछ किस टाइप का देखने को मिलता है वेबसाइट। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस के साथ आता है यहाँ पर वेबसाइट। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जेनरेट, यहाँ पर आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो मैंने ऑलरेडी किया है तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। साइन अप करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको ईमेल आईडी को एंटर करना है और ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई करना है और साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डायमेंशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पिक्चर के डायमेंशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है हम उसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम वॉलपेपर को फोन में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डिस्क्राइब योर इमेज। तो यहाँ पर आपको इमेज को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि आपका वॉलपेपर किस टाइप का होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसे कि मान लो मुझे कोई एस्ट्रोनॉट की वॉलपेपर चाहिए तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा एस्ट्रोनॉट। देन उसके बाद मुझे चाहिए कि वो एस्ट्रोनॉट यहाँ पर एक फ्लावर के फील्ड में हो, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एस्ट्रोनॉट इन ए फ्लावर फील्ड। साथ में यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए भी आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सनसेट इन द बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ सनसेट इन द बैकग्राउंड, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में सनसेट देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ हाईली डिटेल्ड, तो यहाँ पर एक डिटेल पिक्चर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा। पिक्चर को डिस्क्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। उसके बाद ये कुछ सेकंड्स लेता है और जो पिक्चर है आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले 4 पिक्चर्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के पिक्चर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप एज वॉलपेपर सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आए हैं। मान लो अगर आपको ये पिक्चर्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते तो आप फिर से जनरेट कर सकते हो, और जो भी पिक्चर आपको यहाँ पर पसंद आता है उसे यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको पिक्चर के ऊपर यहाँ पर टैप करना है और देन लॉन्ग प्रेस करना है और डाउनलोड इमेज पर टैप करके आप पिक्चर को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जूम करने पर भी जो क्वालिटी है लॉस नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप पिक्चर्स को जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको 2-3 और वॉलपेपर्स यहाँ पर जनरेट करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से कुछ पिक्चर्स जनरेट करके दिखाता हूँ। इस बार हम कुछ स्पाइडरमैन पिक्चर्स जनरेट करेंगे, मतलब स्पाइडरमैन वॉलपेपर्स जनरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है फुल बॉडी स्पाइडरमैन हाईली डिटेल्ड साइबरपंक बैकग्राउंड एस्थेटिक, और यहाँ पर मैं जनरेट पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर स्पाइडरमैन की कुछ पिक्चर्स आ जाएंगे जिन्हें हम एज वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मान लो टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन, या फिर स्पाइडरमैन फ्रॉम बैक, या फिर स्पाइडरमैन इन स्पेस, स्पाइडरमैन इन ट्रेन, स्पाइडरमैन रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने कुछ उस टाइप का पिक्चर भी आज सुबह जो है जनरेट किया था और शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पिक्चर्स आ गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर जो 3rd और 4th पिक्चर्स हैं ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो आप इन्हें एज वॉलपेपर सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आपको कुछ और पिक्चर्स भी यहाँ पर जनरेट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम इस बार जनरेट करेंगे कुछ नेचर वॉलपेपर्स। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा मिनिमलिस्ट नेचर, साथ में हम यहाँ पर टाइप करेंगे ब्यूटीफुल स्काई। मतलब आपको जो कुछ भी देखना है वॉलपेपर में उन्हें आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो।
देन आप मान लो आपको कोई कलर देखना है उस पिक्चर में, तो आप कलर्स को भी जो है यहाँ पर टाइप कर सकते हो, लाइक पेस्टल कलर्स, हॉट कलर्स, कूल कलर्स, ग्रीन, ब्लू, या फिर साइबर पंक कलर्स, जो भी है मैजेंटा कलर्स, जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। देन यहाँ पर मान लो मुझे वाटर चाहिए, तो मैं यहाँ पर वाटर टाइप करता हूँ, और यहाँ पर मैं जेनरेट पर टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ नेचर पिक्चर्स जेनरेट होंगे। या फिर आप यहाँ पर पिक्चर की टाइप भी जो है डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको पेंटिंग टाइप की पिक्चर्स चाहिए, तो आप यहाँ पर पेंटिंग टाइप कर सकते हो। साथ में मान लो आपको रियलिस्टिक पिक्चर्स चाहिए, तो आप यहाँ पर रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक ये सब टैग ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नेचर वॉलपेपर्स भी आ गए हैं, ये जो थर्ड वॉलपेपर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो कुछ और इंटरेस्टिंग हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है क्यूट किड इन स्पेस विथ स्पेस सूट प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन बैकग्राउंड रियलिस्टिक एंड हाईली डिटेल्ड। तो यहाँ पर मैं जो है मतलब आप यहाँ पर किसी भी टाइप के पिक्चर्स जो है जेनरेट कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स जेनरेट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, आप जितना क्रिएटिव होगे आप उतने अच्छे पिक्चर्स यहाँ पर जेनरेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ बहुत ही क्यूट वॉलपेपर्स यहाँ पर जेनरेट हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने क्यूट किड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया था बैकग्राउंड में प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं, और जो किड है वो स्पेस सूट के साथ है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर वॉलपेपर यहाँ पर जेनरेट हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप जेनरेट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर 20 प्लस टाइम्स पिक्चर्स जेनरेट किया, उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलता है। बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप जो है फ्री में पिक्चर्स जेनरेट कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको सेम ईमेल आईडी से फिर से साइन अप करना है, बट आपको थोड़ा ट्विक करना होगा। मान लो आपका ईमेल आईडी है star@gmail.com, तो आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम आपको यहाँ पर एस के बाद एक डॉट एंटर करना है। तो यहाँ पर आप एस के बाद एक डॉट एंटर करते हो, तो ये वेबसाइट के लिए एक न्यू वेबसाइट माना जाएगा, बट आपके ईमेल आईडी में ही वो ईमेल आएगा, जो वेरिफिकेशन ईमेल होगा वो आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि @ से पहले किसी भी टेक्स्ट के बाद आप जो है यहाँ पर डॉट एंटर करते हो, तो वो वेबसाइट के लिए एक न्यू ईमेल माना जाता है, बट आपके लिए सेम ही होगा, वो ईमेल आप है कि आईडी में आएगा। कभी एस के बाद एक डॉट, तो कभी टी के बाद एक डॉट, तो कभी ए के बाद एक डॉट, इस तरीके से आप जो है मल्टीपल टाइम सेम ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हो। तो ये था lexica.art, जहाँ पर आप फ्री में पिक्चर्स जेनरेट करके उन्हें एज वॉलपेपर सेट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।